नमस्कार, मेरा नाम विजय धीर है और आज के वीडियो में हम बात करेंगे FB5X के बारे में। FB5X क्या होती है? जैसे कि नाम से कंफर्म है, फोम मेकिंग ब्रांच, FB फोम मेकिंग ब्रांच 5X इसका मॉडल नंबर है और जो इसका IS स्पेसिफिकेशन है वो 2097। अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पे आपको मिलेंगे फायर सेफ्टी के रिगार्डिंग कंप्लीट वीडियो, कंप्लीट कोर्स आपको मिलेगा। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर इसको अभी सब्सक्राइब करने का रिक्वेस्ट करें, थैंक यू। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ब्रांच क्या होती है? फोम मेकिंग ब्रांच होती है एक इक्विपमेंट होता है जिसकी मदद से हम जो मैकेनिकल फोम जनरेट करते हैं, जो हमारा फोम सोल्यूशन है उसको पानी में मिला के और जब पंप के द्वारा उसको आगे प्रेशर दिया जाता है तो उसमें एडिशन करके जो इक्विपमेंट यूज होता है फोम बनाने में उसको हम फोम ब्रांच बोलते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं FB5X के बारे में। फोम ब्रांच 5X जो है वो पीछे आपने पिक्चर देखा और ये हमारी FB5X है। तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं फिर इसके पार्ट्स के बारे में आपको बताऊँगा। तो जो इसका जो इनलेट है ये है हमारा 63 mm इंस्टेंटेनियस मेल कपलिंग। ये मेल कपलिंग इसका जो वजन है वो तकरीबन 3 किलो से थोड़ा सा ऊपर है और ये एल्युमिनियम अलॉय का बनता है जो काफ़ी हल्का है और इसको आप इजीली ला सकते हैं। इसका जो डिज़ाइन है काफ़ी कम्पैक्ट है, काफ़ी कम स्पेस घेरता है और उसको आप फायर फाइटिंग दौरान जहाँ पर भी अगर तंग जगह पर यूज़ करें तो यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। इसका जो IS स्पेसिफिकेशन है वो 2097 है, आप जो इंडियन स्टैंडर्ड है इसका 2097 है। इसके अलावा जो इसका इनपुट है, इसका इनपुट है 225 लीटर पर मिनट 5.5 bar प्रेशर होगा तब। ये जो इसका जो सूटेबिलिटी है ये AR फॉर्म, AFFF फॉर्म और हमारा प्रोटीन फॉर्म सभी के साथ ये काम कर देती है। इसका जो एक्सपेंशन रेशियो है जो 7-8 bar गुना तक ये उसको एक्सपेंशन रेशियो का फॉर्म बना देती है। और इसकी जो जेट की रेंज है वो 10-20 meter के ऊपर, वो 10-20 meter के बीच में है। तब इसके पार्ट्स देख लेते हैं। जैसे आपने देखा मेल कपलिंग है, इसके बाद ये हमारा फोम का जो सिलेक्टर है, हम कितनी उसमें फोम लेंगे वो ये सिलेक्टर वाल है, इससे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ये हमारे पिकअप ट्यूब लगने की जगह, तो इसकी ये पिकअप ट्यूब है और इसका ये कनेक्टर है। तो इसके अंदर स्पेशल डिज़ाइन है, इसके अंदर आप खोल के इसको यहाँ लगा के और इसको जब नट को टाइट करेंगे तो ये पिकअप ट्यूब लग जाएगी। जो हमारा पिकअप ट्यूब का जो दूसरा पोर्शन है ये वाला, इसको हम फोम के ड्रम में डालते हैं, वहाँ से फोम को अपने आप ले लेता है। अब इसके पार्ट्स के बारे में देख लेते हैं। जो इसके बाद जो हमारा ये पोर्शन है, ये वेंट्स दिख रहे हैं, ये इसके एयर वेंट्स हैं। और जो ये वाली नोब है इससे हम वाटर का जो फ्लो है उसको हम कंट्रोल करते हैं इससे। इसके बाद जो ये एयर वेंट्स हैं यहाँ से ये हवा लेती है। इसके बाद ये जो इसका है ये इसका मिक्सिंग चैम्बर है और ये जो है स्टेनर लगा रखा है ताकि वो फॉरन मटेरियल ब्रांच के अंदर ना जाए। उसके बाद ये हमारा ग्रिप हैंडल है और ये हमारा एरिएशन चैम्बर है और ये रबड़ का वो दे रखा है इसमें ग्रिप आगे, ताकि गिर के इसको जैसे ऐसे रखें तो इसको नुकसान ना हो। ये काम कैसे करता है? जैसे अब यहाँ से पानी आएगा तो हमारा फोम के अंदर, अगर हम प्री मिक्स फोम यूज़ कर रहे हैं, हमने वाटर टेंडर में ही फोम डाल रखा है, तो पिकअप ट्यूब लगाने की जरूरत नहीं है। अगर वहाँ पे हमने पानी उस पानी में फोम नहीं मिलाया है तो हम फोम ड्रम से डायरेक्ट ले सकते हैं पिकअप ट्यूब की हेल्प से। तो जैसे ही पानी चालू होगा वो फोम आएगा पहले इसमें, यहाँ पे मिक्स होगा, यहाँ पे मिक्स होने के बाद वो फोम जाएगा इसमें, इस चैम्बर में जाने के बाद वो एयर के साथ एडिशन होगा उसका फोम का और यहाँ से हमारा रेडी फोम निकलेगा। इसको क्वालिटी कंट्रोल के लिए जैसे हम यूज़ करें तो वहीं पर मौके पर ही हम इसको डायल को घुमा के फोम की क्वालिटी एडजस्ट कर सकते हैं। और इसके बारे में अगर आपको कुछ डाउट रह गया हो तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर उसमें दे दूँ। तो आज के वीडियो में आपने सीखा जो फोम ब्रांच होती है वो क्या होती है, फिर उसके बाद FB5X का हमने इसमें जिक्र किया है इस वीडियो में। 5X के जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है, इसका स्पेसिफिकेशन, इसके जो यूजेज हैं वो हमने आपको बताए और इसके पार्ट्स के बारे में बताया। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो उसको शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।